कहाँ पे ऑप्टेन होता है या फिर कहाँ पे इसका कल्टिवेशन होता है। इट इज फाउंड इन इंडिया, इट इज फाउंड इन इंडिया कॉमा पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका थाईलैंड मलेशिया साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका। इट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका थाईलैंड मलेशिया साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका। क्या होता है इसका कल्टिवेशन या फिर इनका ऑपरेंट ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा की क्या होगी खेती होगी और ज्यादा क्या होता है और जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स, फर्स्ट आपका लीव्स का बता रही हूँ। ठीक है, इसमें देखो कलर ग्रीन, ऑर्डर है इसका एरोमेटिक, टेस्ट है इसका बिटर, साइज है ऑर्डर क्या है ना एरोमेटिक, साइज है 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ब्रैकेट में देखो लीफलेट्स, लीफलेट्स क्या होती है आपकी सिंगल लीफ ये होती है। ठीक है, और एक क्या होती है इसमें बहुत सारी लीव्स होती है, जैसे आप लोगों ने आमने की देखी होगी लीव्स होती है, और पूरा होता है क्या होता है लीफलेट्स होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया 20 to 25 सेंटीमीटर ब्राउन, टेस्ट बिटर, ऑर्डर है इसका कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन, टेस्ट बिटर, ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप देखो इसका लॉन्गिंग ट्यूडिनली LONGI लॉन्गिंग TUDIN ALLY लॉन्गिट्यूडिनली, कुछ मतलब नहीं है, बस बाल होती है आपका बाल को तोड़ोगे तो कुछ इस शेप में निकलेगी, या तो थोड़ा सा इस तरह से निकल जाएगी, इसकी बात है ना शेप नहीं है, इस तरह की वो लॉन्गी ना लंबी है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनली बोला है। अब देखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट कंटेन डाइटरपीन्स कॉमा ट्राइटरपीन्स कॉमा फ्लेविनोन ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेविनोन ग्लाइकोसाइड इट मीन्स कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक आपका टर्किन प्रेजेंट है, दूसरा आपके इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, वो भी कौन सा फ्लेविनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी किसकी डाइटरपीन की, तो लिखो फर्स्ट डाइटरपीन एरो करके लिखो निम्बियोल NIMBIOL जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है इसकी बाद में। ठीक है, अब लिखो सेकंड लिखो ट्राइटरपीन, इसमें लिखो स्टिग्मा स्टेरॉल STIGMA
निम्फिडीन और कॉमन एजाइन फैजिटिन, यानी कि जो उसका क्या है आपका बायोलॉजिकल सोर्स है वहीं से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। केवल सी टी आई एन लगाना है, ए जेड ए बी आई आर ए सी टी आई है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा इसके सीड्स में, ठीक है। सीड्स या फिर जो आप सीड से क्या निकालते हो ऑयल ऑपरेट करते हो नीम का, उसमें क्या होगा ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो नीम लीव्स कंटेन नॉट लेस देन 1% ऑफ रूटीन, आर यू टी आई एन, नोट लाज है ऑफ रूटीन। रूटीन भी क्या है कैंसर कॉन्सिक्वेंस होता है जो कि 1% से कम नहीं होना चाहिए इसकी लीव में, अगर होगा तो 1% या तो उससे ज्यादा, ठीक है। अभी को इसके यूजेस as
वो हो सकता है। अब इसको जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स इसमें लिखो, इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। Of curcuminoids
volatile oil contain 1 to 6.5%, 1 to 6.5% mono or specific terpenes, mono or specific terpenes, SESQUI, specific terpenes. It means कि जिसका volatile oil है, इसमें क्या हमें terpene present है और terpene में कौन सा mono और specific terpene. It means कि आपकी क्या होती है terpene से आपकी isoprene units होती है. जब दो isoprene units combine होती है तो आपका क्या बनता है mono terpene बनता है. और जब आपकी तीन isoprene units combine होती है तो क्या बनता है आपका specific terpene बनता है. आप लोगों ने terpene से पढ़ा है, ठीक है. अब लिखो ब्रैकेट में लिखो इसमें कैम्फर, अल्फा एंड बीटा, पाइनीन, PINENE, पाइनीन, कॉमा, अल्फा बीटा, कुरकुमीन, CURCUMENES. कि जो आपका वॉलेटाइल और उसमें क्या है प्रेजेंट है, उसमें आपके क्या है टर्पीन प्रेजेंट है. उसे टर्पीन कौन से हैं, मोनो और स्पेसिफिक टर्पीन है, जिनमें की कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फिर अंदर कैम्फर, अल्फा एंड बीटा पाइनीन और अल्फा बीटा कुरकुमीन, ठीक है. अभी कुछ में कैम्फर टेस्ट पाउडर ड्रग लेंगे किसकी, टर्मरिक की, और उसको अगर हम ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो वो क्या कलर प्रोड्यूस करेगा, क्रिमसन कलर, और कुछ अमाउंट में क्या करते हैं रेड कलर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो इसमें लिखो पाउडर ड्रग ट्रीट विद H2SO4, पाउडर ड्रग ट्रीट विद H2SO4 एरो करके क्रिमसन कलर और स्ट्रेस करके रेड, ठीक है. सेकंड लिखना, अगर हम क्या करेंगे टर्मरिक का पाउडर जो है उसे वाटर के साथ हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, इसलिए हम उसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम बोरिक एसिड के साथ में क्या करेंगे ट्रीट करवाते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर देगा. बट जब हम उसमें क्या करेंगे आपका कोई एल्कली सॉल्यूशन मिलाएंगे, बेस का कोई सॉल्यूशन मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे, तो वो कलर क्या हो जाएगा आपको जो रेडिश ब्राउन था वो चेंज हो जाता है आपका ग्रीनिश ब्लू कलर में, ठीक है. इसमें लिखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिक प्लस बोरिक एसिड, एरो करके लिखो रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन. अब एरो करते हैं कुर्सी में नीचे, ऑन एडिशन ऑफ एल्केली ALKALI, ऑन एडिशन ऑफ एल्केली एरो करके ग्रीनिश ब्लू. अब थर्ड टेस्ट है इसमें, अगर हम ड्रग में क्या करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिलाते हैं तो जो आपका टर्मरिक का कलर है येलो वो चेंज हो जाएगा आपका वायलेट कलर में, ठीक है. और जब हम इसे क्या करते हैं यूवी लाइट में देखते हैं, इट मींस एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, आप उसमें उसको देखते हो यूवी लाइट में, तो वो जो कलर वायलेट कलर है वो आपको डार्क रेड कलर की फ्लोरोसेंस दिखाई देगी. इसमें लिखो ड्रग प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ड्रग प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स वायलेट कलर, इट गिव्स वायलेट कलर. आप एरो बना के भी लिख सकते हो, ठीक है. लिखो आप एरो करके लिखना, this test is observed, this test is observed under UV light ultraviolet,
अंडर अंडर यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट इसकी फुल फॉर्म होती है। रेड फ्लोरोसेंस, रेड फ्लोरोसेंस यानी कि जो वायलेट कलर है, जब आप इसको क्या करते हैं,